जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी हड़ताल है भैया, जाम, शट डाउन, बिजली के बिलों के खिलाफ और आटे और महंगाई, ये सारे सिस्टम के खिलाफ, सिंपल सी बात है, सारे सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ा भैया जाम और शट डाउन हड़ताल है। ये पूरे डिवीजन में, नीलम वैली में, झेलम वैली में, मुजफ्फराबाद में, इसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई कुछ भी आमदरफ्त ख़त्म है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसी जलसे में जा रहा हूँ। मैं आपको भी साथ ले कर चलता हूँ, आज का व्लॉग मेरा होगा ये शटर डाउन पे और पहिया जाम और शटर डाउन और ताल पे मुजफ्फराबाद बिलों के खिलाफ। जैसे रवला कोर्ट वालों ने दिखाई गैरत, इस तरह सारे ज़िले दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह एक तरीक उठी है, ये तरीक कामयाबी होगी। हमारी तो यही दुआ है कि महंगाई कम हो और गरीब लोगों का कुछ ना कुछ हाल निकले। तो आज मेरे साथ आए, आपको मैं ले चलता हूँ इस तरीक के अंदर। मेरी कोशिश होगी जितनी अच्छे से अच्छा आपको दिखा सकूं तो दिखाऊंगा। चलते हैं मेरे साथ। मैं मेन रोड पे पहुंच आया हूं तो देख रहा हूं जी दुकानें शिकाने बंद, रोड पे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ कवे बोल रहे हो। ये पीछे मेरे गाय है, क्या ये गाय है बस, ये रोड पे खड़ी है, बाकी ना ट्रैफिक ना लोग ना कुछ ना कहाँ। लेकिन लोग भी उस तादाद से नहीं निकले जिस तादाद से निकलना चाहिए था, ट्रैफिक तो जाम है। देखते हैं आगे कि सेंटर सिटी के अंदर घूमता हूँ मैं, देखते हैं क्या नज़ारा मिलता है देखने को। यही मुजफ्फराबाद की आम निकली हुई है पूरी की जोरों शोर से, हम इनके साथ चल रहे हैं। यही वो गति का स्वैली भैया जान, पानी हमारा राज तुम्हारा मंजूर ना मंजूर, बिजली हमारी राज तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, टैक्स हमारे राज तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, टैक्स हमारे राज तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। देख सकते हैं आप सारा कुछ तुम्हारा आवाज निकली हुई है ना मंजूर, आटा हमारा पानी हमारा राज तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। जनता तंग रहेगी तंग रहेगी तंग रहेगी, जब तक जनता भूखी है ये आजादी झूठी है, जब तक जनता भूखी है ये आजादी झूठी है, जब तक जनता तंग रहेगी तंग रहेगी तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी तंग रहेगी तंग रहेगी। जय कश्मीर जय कश्मीर कश्मीर जय कश्मीर, छोड़ दो कश्मीर को गैर मुल्की आम्र, छोड़ दो कश्मीर को जीलम जेलम देने दो, हमें जिंदा रहने दो, पानी हमारा कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, जम हमारे कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, राज तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर, जब तक जनता तंग रहेगी तंग रहेगी तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी तंग रहेगी तंग रहेगी। ये देखिए जी, बिजली के बिलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आज भरपूर हड़ताल की जा रही है। तो हड़ताल में लोगों ने ठीक हिस्सा लिया, तो एहतजाज आप रिकॉर्ड करवा रही है आवाम जी, बिजली के खिलाफ, बिलों के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ। कश्मीर हालांकि मदनियात मसाइल का सबसे बड़ा खजाना है, तो इसको ही बिजली में असर रहो, इसी के अंदर ये हो। हालांकि जो मुतनाज़ इलाके होते हैं वो टैक्सेस फ्री होते हैं, ये लोगों की ये डिमांड है जो गिलगित के अंदर
जिस रेट पे आटा मिल रहा है, जिस रेट पे बिजली मिल रही है, बाकी सारा कुछ मिल रहा है, तो वो सारे के अंदर क्या कर रहे हैं, वही हिसाब इधर होना चाहिए। ये वाम चल रही है हमारे साथ, तो देख सकते हैं आप। इस टाइम ऊपर अपराडा चौक में खड़ा हूँ, तो शट डाउन पर जहाँ वही हड़ताल है, आवाम की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन हड़ताल जारी है सारी है। इस टाइम दिन की 2 बज गए हैं, धूप भी बहुत कड़ाके की है, जिसकी वजह से इतनी देर खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा इसमें। तो ये खड़ा हूँ मैं अपराडा, दिखाया आपको अपराडा का व्यू करवाता हूँ। आवाम बैठी हुई है, कम भी लगा है महंगाई के खिलाफ, और आवाम भी परेशान है, हाला है, चलते हैं। दूसरा अपराडा चौक जो है ना, तो इस चौक के अंदर ये होता है कि दिहाड़ी वाले लोग, मतलब दूर से मुसाफिर आए हुए जो मुजफ्फराबाद के अंदर काम करते हैं, वो लोग होते हैं। जिस दिन मौसम ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए शहर के अंदर, इस दिन इनकी दिहाड़ी वगैरह नहीं लगती। ये भी परेशान है हाल, ये चौक के साए के नीचे गर्मी में बैठे हुए हैं इंतज़ार में किसी के, कोई ना कोई। लेकिन आज तो छुट्टी है पूरे मुजफ्फराबाद में, कही जाम ताला, थोड़ी इनसे भी बात करते हैं हम लोग। ये जी चाचू किधर से हैं आप जी? रोटी ये कह रहे हैं जी, हैं ये पश्तून स्पीकिंग है, ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है दिहाड़ी। ये आजकल ऐसा सिस्टम है, खाना शाना नहीं होता किसी दिन, क्योंकि महीने में टोटल 10 दिन काम होता है, जबकि इन काम से इनको किराया शराया रिहाश होती है, सारा सिस्टम यही होता है। सारे भाइयों का ही मसला है ना जी? हाँ हाँ यही मसला है, ये सब भाइयों का यही मसला है जी। चौक में आए हुए, गलानी चौक में इनका 3 बजे जलसा स्टार्ट होगा। पूरे जितने राज्य के शहर के लोग हैं वो इधर इकट्ठे होंगे, सबका दिन इधर इकट्ठे होंगे, तो इधर वो अपने हयालात का इजहार करेंगे। आस्ता आस्ता वाम जमी हो रही है गलानी चौक के अंदर, तकरीरों का सिलसिला भी जारी है सारी है। तो नीचे भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या चक्कर है क्या नहीं है। हमें बात करनी है तो अपनी हुकूमत से बात करनी है, हुकूमत जैसी भी है इस वक्त पर इजाजत पड़ता है। जी मैं जलसे के अंदर मौजूद हूँ, इस टाइम कायदीन जितने भी हैं वो तकरीरें वगैरह अपने हालात का इजहार कर रहे हैं, और आवाम की तादाद भी काफ़ी बड़ी तादाद है। धूप बहुत है, धूप बैठी हुई है सामने, बहुत आ चुकी है। और ये बात याद रखो, चौक के मनाने हमारे जो नाम है वजीर आजम, रात को 3 बजे वजीर आजम बनता है, नशे में पता नहीं धुत हो गई है किस हालत तोड़ के, वो बयान देता है कि बहुत तो आसान है, बहुत में मिल जाएगी लेकिन बिजली नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी एक जगह बात की कि खुदा के हिसाब से डरो, हम तो दुआएं करते हैं कि रबे काबा हमें आसान मौत दे, हमें मुफ्त की मौत दे, हमें चलते फिरते मौत दे, लेकिन या रब हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि इस अनवारुल हक को ऐसी मौत दे कि ये दुनिया के हर मुल्क में जाए, पैसा लगाए पैसा लगा लगा के भी जाता है कि बिजली फ्री नहीं मिलेगी। हम यह समझते हैं
कि जिस तरीके से आजाद कश्मीर के लोगों को पसमाना रखा गया है, आज देखें ये हुक्मरान ब्यूरोक्रेट इनके चर्चे चूहल की तरह बिलों में घुस किए, मर्द के बच्चे और निकले अपनी ब्रांड और फॉर्च्यूनर लेकर रोड पे, इनको आवाम का गुस्सा पता चल जाएगा। सबसे बात का मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये आवाम के गुस्से से बचे। यहाँ पे कहा गया कि लोग लफराबाद के लोग थोड़े खड़े, थोड़े नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ में अभी भी हजारों लोग रोड बंद करके खड़े हैं, वो अपनी गलत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे गैर रियासती सूफी साहब सुने, हम अपने उन गैर रियासती लोगों का एहतराम करते हैं, चाहे वो हजारा से हो, केपीके से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो, वो हमारे भाई हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, हमारे हकूक की बात करते हैं। हम गैर रियासती सिर्फ उसको कहते हैं जो सौलतकार है, जो हमारा और आपका दुश्मन है। लोग कहते हैं सुने सुनो भाई, यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये मजदूर की जान क्या है किसान की, कितने मजदूर कितने किसान, वो मजदूर वो किसान हमारे बच्चों की इज्जत पर लगी है। रब्बे काबा की कसम कि अगर ये बाज ना आए तो लफराबाद का हर शहरी इनके पेट फाड़ के अपने बच्चों को खाना खिलाएगा। और हर शख्स औसत जिंदगी 50, 60, 70 साल पूरी कर चुका है, अब जंग का वक्त है। हमें कहते हैं और जी क्या आप लफराबाद के शहरी सब्सिडाइज आटे के हकदार है, तो हमने उनसे कहा इमरान असम्बली अगर आप जुकात के पैसों से जाके अपना बिरूने मुल्क इलाज करवा सकते हैं पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने आपको खबर की प्रोटेस्ट की, मैंने आपको प्रोटेस्ट दिखाया, तो अभी कायदीन तकरीरें कर रहे हैं, वहाँ आस्ता आस्ता आ रही है, 3 बजे का टाइम था तो 3 होने वाले हैं, वहाँ पे काफ़ी ग्रुप के ग्रुप आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, तो अपना वहाँ रिकॉर्ड करवा रही है, एहतजाज करवा रही है, तो धूप आया, धूप बहुत कड़ाके की है, धूप पे तो बैंक वो निकल जाता है, मैं भी कोशिश है कोई किसी टाइम पर जाके थोड़ा बैठ के कोई रिफ्रेशमेंट करूँ, पानी कोई कोल्ड ड्रिंक मिलती नहीं है क्योंकि ट्रैफिक सारी मुजफ्फराबाद बंद है, दुकानें सारी बंद है, जिसकी वजह से हमें कोई खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो चलता हूँ मैं आगे की तरफ।